गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। मेरे स्टूडियो की हालत बहुत बिखरी हुई है और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहन के जाऊँ, क्योंकि कपड़े तो बहुत हैं लेकिन जब पहनने की बारी आती है तो हम लड़कियों को समझ नहीं आता। और से मेरे बाल ऐसे हो गए, ऐसे भी कोई बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। A few moments later. My morning chai is ubling. Maishi! Maishi की वाली उम्र हो रखी है कि उसे दोनों चाहिए, जीव की उम्र है कि उसे सिर्फ खिलौना चाहिए। देखो माशु फोन ले ली, ये ले लो। आज जिंदा आया, कहानी तो सुन लो। स्टोरी देखो, पापा की अक्ल वाली कहानी सुनाएंगे, मनाली वाली। चाचू और पापा जिंदा है, देख लो। उसको भी पता ही नहीं, उसको बस चला दो। A few moments later. So I'm going to get ready पहले, और मैं पहनने जा रही हूँ मेरा ऑरेंज वाला कॉट सेट, बिकॉज मुझे वही कम्फर्टेबल लग रहा है। तो रेडी होते हैं, काली बालों को स्ट्रेट करते हैं। माइश अगले टॉय सिलेक्ट हो गए, माइश ने टेडी बेयर चूज कर लिया। डांस करो, डांस करो। पापा डांस करो, अभी जो आप कर रहे थे वो डांस। पैर सीधा, गुड। पैर सीधा दिल हाथ। माशु इसको किसी कर दो फॉरहेड पे। पापा वो किसी करो पहले। पापा किसी आप करो ना। गुड। मुझे नहीं था मायशा ना मेरे को ऐसे बोलने देगी, बट मैं निकल रही हूँ मेरी फर्स्ट मेकअप मास्टर क्लास के लिए जो कि आज है। आई एम सो हैप्पी, लेट्स सी क्या मेकअप मैं करने वाली हूँ, कैसे सिखाऊंगी, कैसे बताऊंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, और बहुत सारे लोगों से मिलूंगी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके चलो तैयार। A few moments later. So I'm wearing my this master's cord set क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। And by the way हमने इसको रीस्टॉक किया है काफ़ी सारे साइजेस में। Yes, you can buy from Shyster's label. अच्छा जी, let's go with the makeup. बाल इतने फ्रिजी हो रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। लाइक लुक एट दिस, मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब है, आप कितना भी सेट कर लो बाल हो ही जाने हैं आपके। मेरी स्मूथिंग तो वैसे भी टूट गई है, तो जब स्मूथिंग टूटती है तो वो लोग पेन को रिलेट कर सकते हैं। फिर मेरे बाल इतने ज़्यादा वैसे वेवी से नहीं है, कर्ली मतलब उतने कर्ली एंड फ्रिजी नहीं है, बट अभी वेदर की वजह से इतना हो रहा है। तो पाठक ने बोला 4 किलोमीटर है, तो पाठक ने बोला बाबा आपको घर छोड़ के हम आ जाते हैं। वो बैठे ही ना भाई, उस पता नहीं क्यों हमने कहा गाड़ी से छोड़ के आते, कहते नहीं अभी ट्रक आएगा हम ट्रक में बैठ जाएंगे। मतलब आधे दूर रोड बड़ी, तो मैं कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आधे दूर रोड बोल रहा था। तो फिर मेरे पाठक बोला पाठक भाई इसको भी लग रहा है कि गाड़ी महंगी है, गंदे कपड़े वो रखे हैं, इसलिए नहीं बैठ रहा। उसे बैठाने की कोशिश, वो बैठा ही नहीं, कह रहा मैं पैदल जाऊँगा। और वो पैदल उठ के धीरे धीरे, क्योंकि बारिश आ रही थी, बाबा आपको हमने 2000 रुपये दे दिए और अभी आप अपने घर जाके आराम से आप खाओ। एक एक हम सब ने वही खाया एक बार, मतलब ऐसे बिल्कुल थे वो मिट्टी में, कीचड़ में, वो हमें पता चला था किसी और खेत से उठा के लेके आए, पड़े हुए कीचड़ में थे वो, हमने उठाया। तुम रो रहे हो? शुरू से हम भी रो गए थे भाई, हम भी रो गए थे, शायद ऐसा नहीं हम भी रो गए थे। तो वो ये मान लो कि ये जैसे वो है, वो रो रहा, वो बूढ़ा बिल्कुल इतने प्यार से बोल रहा आम ले लो, आम ले लो, आम ले लो, आम ले लो। हमसे पहले भी गाड़ी रुकी थी, उसकी जेब में एक नोट और था 50 का, बिल्कुल करारा नया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने प्रांशु को बोला कि 1500 रुपये मेरे को UPI मैं तेरे को कर रहा हूँ, मेरे को 1500 कैश दे, 500 मेरे पास थे। तो इतने में सारे बोल पड़े भाई तू अकेला क्यों, पुण्य कमाएगा, हम भी सारे बजट से दे रहे हैं। हमारा बजट सेट था कि बजट हम 2 लाख रुपये ले गए थे ना, तो उसने 2000 रुपये निकाले, उस बाबा को दिए, उसको पानी दिया पीने के लिए, उसको ओरियो बिस्किट दिया, उसको वो दिया, उसको फिर गाड़ी में छोड़ा, पर गाड़ी में बैठा ही नहीं। फिर जब हम गाड़ी में बैठा ही नहीं भाई, हमने खूब जोर लगा लिया, उसने हमारी हर चीज़ ले ली, हर चीज़ मांग ली, पर वो गाड़ी में नहीं बैठा। जब हमने वो बाबा उठ के आराम से गाता हुआ गाना जा रहा है, आराम से ऐसे हिलता हुआ डांस करता हुआ, धीरे धीरे छतरी हाथ में फंसा रखी है और जा रहा है 4 किलोमीटर। वो गाड़ी बैठा नहीं, छाता होने के बाद था चलो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे गाड़ी बैठ के हम थोड़े से आगे चले, तो भाई मेरे दिमाग में, पाठक के दिमाग में एक ही चीज़ आई कि भाई ये भगवान का रूप था इसलिए गाड़ी में नहीं बैठा, क्या पता हमारे अगले मोड़ में मौत लिखी हो। भाई अगले मोड़ में मौत लिखी हो, हमारे आगे 25 गाड़ी चल रही थी, किसी गाड़ी के आगे नहीं आया, उसने हमारी गाड़ी ऐसे बिल्कुल आगे आके रोकी, शायद तुम सोचोगे नहीं, क्या पता वो भाई भगवान का रूप हो। कि हमें बाद में दिमाग में आया तो गाड़ी में ही नहीं बैठा बंदा, बिल्कुल नहीं बैठा। पाठा कह रहा वापस चल के देख लो, वो बंदा गायब हो चुका होगा, हो भी सकता है भाई, जरूरी कि भाई किसी भी रूप में, क्या पता। पाठक यही कह रहा था, पाठक के बिलीव्स बहुत ज़्यादा है, मैं भी बिलीव करता हूँ। मैंने तो ऐसा कि भाई बूढ़े बाबा हैं, उनको देख के जब उन्होंने बोला कि बेटा नहीं है,
बेटा गया, सॉरी ये बोला कि बेटा गया, अब ये नहीं पता वो कहाँ गया क्या नहीं गया, पर वो ढंग से बोल नहीं पा रहा था, पर वो एक इतने मासूम तरीके से बोल रहा था, सबके आंखों में वहाँ आंसू आ चुके थे, बिल्कुल ही आंसू आ चुके थे हमारे। पाठक ने कैमरा ऑन किया था पर मैंने पाठक को वो एक सेकंड के लिए पाठक को बंद किया, मैंने कैमरा नहीं चला, कैमरा नहीं चला भाई। मैं मुझे अपने मनाली की स्टोरीज बता रहा है कि वहाँ पर रास्ते में से कैसे कैसे हुआ, तो उसमें एक स्टोरी थी, बस मैंने आधे में स्टार्ट कर दिया कैमरा कि वहाँ कोई बूढ़े बाबा मिले थे, मतलब यार अच्छा हुआ मैंने स्टेप शूट नहीं किया, पड़े हुए आम बेच रहे थे, वो जमीन पड़े हुए कीचड़ में लिपटे हुए थे कि हमने वो धोके, हम सब ने, मैंने 3 आम खाए, पाठक ने 2 खाए, सब ने मतलब 7-8 आम खा लिए, वो हमें छोड़ ही रहा, हमें आओ आम खाने, हमारा पेट भरा हुआ था, पर ये था कि मतलब ये लाल नीचे उतरने के बस एक ही बात हो रही थी कि कुछ किया ना क्या हो, जो सुकून वहां मिला भाई वो कुछ नहीं, हम तो मिश्रा तो साफ कर रहा भाई साईं बाबा लग रहे थे हमें कि हमें बचाने आए थे, क्या पता अगले यू टर्न पे अगले मोड़ पे हमारी मौत लिखी हो भाई, जिसको टालने के लिए आए थे, ऊपर वाले का कुछ नहीं पता भाई, भाई की भी वो उन्होंने बाबा ने हमारी सारी चीज मानी, उन बाबा ने हमारी सारी चीज मानी, हम उनका खड़े हैं, पैसे से ज्यादा मुझे लगता है उनको उनकी जरूरत की चीजें जाके पानी, ये सब जगह पानी दिया भाई, पानी हमने ना उन्हें एक बोतल दिया, वो बोतल पूरी पी गए भाई, वो देख के हमने उनके पास 4-5 ऐसे अपनी पेटी से बोतल निकाली उनको दे दी, उनको बिस्किट दिया, पूरा बिस्किट खा गए वो, इसीलिए मैं को इस वजह से बहुत पसंद करती हूं, ये महंगा इन चीजों में बहुत डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल मतलब हम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, मेरा उस टाइम पे ऐसा लग रहा था लेकिन जेन्युइन मदद की, बाबा गाड़ी में बैठ जाओ, आज जो हम जिंदा यहाँ खड़े हैं ना वो हमारी हर चीज जो हमने की अब कनेक्ट हो रही है कि हर चीज अच्छे के लिए होती है, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, कभी भी रिग्रेट मत करो कि आप मनाली में फंसे हो ना, मनाली में फंसे ये कह रहे हैं कि वो जाने क्यों दिया, ये मैं ही कह रहा हूँ कि जाने क्यों दिया, अच्छा अगर मैं मनाली में फंसा ना होता ना और हम स्पीड से निकले होते, मैं रस्ते में 2 घंटे सोया ना होता तो मैं सीसू में होता और सीसू वाले लोग अब तक रेस्क्यू नहीं हो पाए क्योंकि उसका सिंगल रास्ता था और वहां से कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब तक कनेक्ट नहीं कर पाए लोग, आर्मी वाले खड़े होकर वहां पे इतना दिल्ली से नोएडा के बीच में यमुना जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लड आया हुआ ईस्ट दिल्ली में और हम रहते हैं साउथ दिल्ली में, तो मुझे नोएडा जाना है, काली डर होता है, हमारा बहुत ऊंचा है इस वजह से, बट यहाँ पे बिल्कुल यमुना हमें क्रॉस करनी पड़ती है नोएडा जाने के लिए, जिस यमुना जमुना ने तहलका मचाया उत्तराखंड में और यूपी में और यहाँ पे अब दिल्ली में और हरियाणा में आगे वो जमुना जी हम क्रॉस करेंगे, पर ये रास्ता सेफ है, बट ये रास्ता एक खुला है और ये सेफ है नोएडा जाने के लिए, अदरवाइज मैंने तो मुझे कल मनाही कर दिया था, तुम जा ही नहीं सकते, साइड जाम लगा हुआ है, मैंने कल चेक किया रास्ता बात की तब की, उसने कहा नहीं बहुत सेफ है और इस टाइम पे हम कालिंदी कुंज में है बस को यहीं से निकल रहे हैं, तो मैं वही देखना चाहती हूँ कि कितना लेवल है, क्योंकि हमेशा मैं देखती हूँ वो नदी जाती हूँ नाला सा बन रखा है, यहाँ क्लियर है सब, ये कह रहा हूँ सारा गंद फेंक दिया, जितने भी गंदगी यमुना जी में थी आज पूरी क्लीन हो चुकी है यार, सारा गंद अभी यहाँ पे बहुत सारा गंदा दिखाई देता है, ब्लू पानी देख के खुश हो जाओगे, चलो दिखाता हूँ आपको, ब्लू पानी देख के खुश हो जाओगे, देखो सब बंदा अपने पानी देखा है, शिट कभी नहीं देखो कितना, ओह माय गॉड कितना ऊपर तक पानी और सारा जाग खत्म, नदी खुद ही साफ हो गई, अब ये गंगा जी जैसे साफ है, जैसे गंगा जी ऐसे यमुना है, देख लो कितनी साफ है, आपने कभी यहाँ पानी देखा है, ये सब डूब गया था अभी तो कम हुआ है, ये सब डूब चुका था शायद, सोचो अगर ये पुल बह जाता तो, बह जाता इसके ऊपर से भी पानी गया है, नहीं, अरे इसके ऊपर से बंद हो गए थे एक टाइम पे पूरी एंट्री वेंट्री सारे, मान नहीं रहे यार, आपको लग रहा मजाक कर रहा हूँ, लड़कियों को लगता है कि नहीं तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बात है भाई, इसके ऊपर से पानी था सारा आधे था वो सीन, ओह माय गॉड मैंने तो कभी नहीं सोचा था मैं इतने ऊंचा पानी, इस वक्त साफ पानी है कि आप इसमें नहा सकते हो, इसमें इतनी गंदगी थी यमुना जी इतनी गंदी थी, सारे नेता मिनिस्टर ने जोर लगा लिया कभी साफ ही नहीं कर पाए, नेचर ने खुद ही साफ कर दी, सोचो इतनी पावर है नेचर में, और अब मुझे पता है कि अब ये हजम नहीं होगा लोगों पे, ये वापस गंदी होगी, जो कि हमें नहीं करना, ये वापस गंदी होगी लोगों को, नेताओं को हजम नहीं होगा, ये कैसे साफ हो गई, हम गौ सिटी मॉल आ गए, आई थिंक मैं सेकंड टाइम यहाँ पर आ रही हूँ, सिटी सेंटर है ये मॉल है, आगे होगा मॉल, यार मैं सब चीज से खुश हूँ, बस मैं अपने बालों से खुश नहीं होती, क्योंकि एक तो मेरे बाल बहुत हल्के हैं पतले भी हैं, और हाँ सही है, फाइनली हम बाबा चौक पे आ गए, व्लॉगिंग आई एम ट्राइंग टू व्लॉग, थैंक यू, ऐसे में हपड़ तपड़ में यही ऐसे में ऐसे होता है, लगा रही हूं ये है इस पे ओटीटी, हाँ ओटीटी, मम्मी ने ले लिया, मम्मी ने ले ली शेड, कोई नहीं आज तुम्हें गिफ्ट दे देंगे हम, हमारे पास ब्लश है, हाँ तो थोड़ा टैलेंट मेरे को दिखा दो, ज्यादा ही हो गया,
होपिंग। गाइस अंशिका है मेरी मॉडल जिसमें हमको मेकअप करना है एंड शी इज प्रिटी, तो आपको दिखाएंगे हम कैसा मेकअप करें। शी इज वेयरिंग अ ब्लैक आउटफिट, तो ब्लैक के साथ तो ब्राउन स्मोकी आईज भी बहुत ही प्यारा जाता है, पर्पल स्मोकी आईज भी बहुत अच्छा जाता है, तो इसी तरीके का कुछ हम क्रिएट करेंगे। हाँ ना, हम यूज़ करने वाले हैं सारे कप्स एंड लैशेस के मेकअप प्रोडक्ट्स। एंड निधि ही लॉन्च करिए अपने न्यू मेकअप ब्रशेस, 44 मेकअप ब्रशेस का सेट है ये, तो हम ये यूज़ करेंगे। एंड कुछ हमारे अपने आई शेडो पैलेट शायस्टेज एक्स कप्स एंड लैशेस, पैलेट अच्छा है, इट्स नाइस। पर भैया मयंक भैया से मिलना सभी चाह रहे थे, हम लाइक सेशन ओवर, निधि का भी हो गया कंप्लीट। मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा डेप्थ में चली गई थी समझाने में। बाय द वे आई होप आपको मज़ा आया होगा, नहीं देखा तो आप मेरे मेन चैनल शाइस्टर्स पे जाके देख सकते हो। मेकअप लाइक टर्न आउट इतना प्यार हुआ था, एंड आई थॉट उस टाइम पे कि रश्मित मुझे थोड़ा प्राउड करेगी, लाइक सारी चीज़ें मैंने एग्जैक्टली उतनी जल्दी जल्दी मेरे को करना था, तो बहुत ही ब्रीफली नहीं बताया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता पाया, ब्रीफ में किया मैंने, बट स्टिल आई होप जसमीत मुझे प्राउड करेगी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जसमीत से भी सीखी हैं। खुद का भी कुछ टच होता है हर एक मेकअप आर्टिस्ट का, और मेरा भी ऑब्वियसली उतना पर्सनल टच था, बट बहुत कुछ अच्छे से टर्न आउट हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी। अब हम घर जा रहे हैं वापस मायशा के पास, बहुत जल्दी सेशन ओवर हो गया, घर पहुंच जाऊंगी, अपनी बेबी से मिलूंगी, आई एम ऑलवेज मिसिंग। एंड कल है निधि का बर्थडे, हमें वापस इसी स्टोर पे आना है पर्पल पे, जहाँ पे हम निधि का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, एंड मैं उसके लिए कुछ लेना भी भूल गई, बिल्कुल दिमाग ही स्किप हो गया। गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है, लाइक पूरा रास्ता फुल हो गया,
फ्लडेड एकदम गली माइक थोड़ा कोने में ही चलाना इतनी तेज बारिश हो रही है इतनी ज्यादा तेज एक्सपेक्ट नहीं किया था पूरे फुल पे चल रहा है हमें कुछ नहीं दिख रहा हमारा आगे का रास्ता बस हम चला रहे हैं स्ट्रेट स्ट्रेट पिक नहीं बना रहा वापसी में थैंक गॉड कि खाने के लिए नहीं रुके हम घर नहीं पहुंच पाते क्योंकि इतना और जिस जगह से हमें आना 3 मिनट 4 मिनट हुए बारिश बस मैक्स टू मैक्स 5 मिनट बारिश मेरे देखते ही बोल देता बादल काले हो गए मैं जल्दी बारिश होने वाली है मैं जल्दी से घर पहुंचना है बट थैंक गॉड हम अपने घर के रास्ते में बट यहां कहीं गलियों में पानी भर गया हम गली से आ रहे हैं मेन रोड से आ भी नहीं रहे और पूरी गली में पानी भर गया शुक्र है ये दो दिन से गली में शांति थी थोड़ा बहुत रिमझिम रिमझिम मौसम था लेकिन आज 15th को इतनी तेज बारिश थैंक गॉड भाई यहां से पानी आ रहा है ये देखो आप पे यहां से पानी आ रहा है मुझे नहीं पता पर जो भी पानी आ रहा है वो इसी तरह पूरा पानी नीचे तक बह के नीचे जा रहा है कारपेट में शायद मेरा ही पानी आयशु वाओ मायशु तुमने पापा की पिद्दी बनी हुई है मायशु बाय कर लो बाय कर लो मजा आ रहा है मजा आ रहा है वाह खा दो पापा को ओए चलो ओए वाह कितना मजा आ रहा है नहीं कर रहा क्योंकि फिर हाथ पे जोर पड़ेगा अभी हाथ पे जोर नहीं तो कुछ हाथ छोड़ कर दो बड़े करो चलो बाय बाय।